तो भाई गाइस मंदिर से भाई मैं घर पे आ गया। आज मंदिर भी शूट नहीं करा क्योंकि वहाँ जा जाते फोन ही घर छोड़ दिया मैंने गलती से निकल गया, फोन टेबल पे रह गया था। तो फिर आके भाई अपना अब जा रहा हूँ कॉलेज, डोली रख दी थी घर। अगर किसी को पता ना हो वायर का तो डोली किसको बोलते हैं, तो भाई डोली वही बोलते हैं जिसको पानी लेके जाते हैं, जिसको दिखाया भी था मैंने पिछले क्लिप में, तो उसे डोली बोलते हैं। तो अभी भाई कॉलेज जा रहा हूँ आज, फिर पता नहीं नेक्स्ट तो कभी जाऊँगा, उनके आने के बाद ही होगी जहाँ तक है। तो ठीक है सर, चलो गाइस मिलते हैं आप लोग इस कॉलेज में, टिल देन ओके गाइस। ये देखो न्यारे बच्चे भाई, गौरी मन के सच्चे। ये भाई आज आपको कॉलेज में नहीं आने का, हम आई यहाँ से भी हो सकते हैं। अच्छा गाइस आप कहाँ देश के बारे में कुछ फर्क लग रहा है पुरानी वीडियो से, तो लाइक शेयर कमेंट करो। अगर आपको पता चल गया तो कमेंट करो। यस और नहीं पता चला तो कुछ मत करो, इसके चैनल को अनसब्सक्राइब करो। चैनल पर रिपोर्ट मार प्रमोटिंग टेररिज्म। ये आतंकवादी लग रहे हैं वीडियो में। अच्छा अच्छा मैं सोचा देश की बुराई खाकर भाई। ये भाई देखो अच्छा बड़ा कॉलेज है। अच्छा कॉलेज दिखा रहे हो क्या? तो और क्या दिखाऊं पंडित, तेरी दीवार ज्यादा जा रही है। इनकी दीवारें देखो, अरे कहां है उस भूलभुलैया से भाई, भूलभुलैया भाई। आज अपने उसमें कॉलेज में तो नहीं गया भाई, क्योंकि मेरे पास फ़ोन आ गया था, घर से निकलता था मैं जब फ़ोन आया था कि भाई आज बच्चे हैं ही नहीं कॉलेज में, तो क्लास भी कहीं नहीं लगेगी क्योंकि सब आज फेस्ट वगैरह हैं कुछ कॉलेज में, तो वहाँ चले गए बच्चे। तो मैं आधे सर के यहाँ भी कुछ इसमें प्रोग्राम था, कह रहा भाई एक नंबर कंटेंट मिल जाएगा, पता ना कई प्रोग्राम तो कुछ प्रोग्राम तो पागल बना दी इसने मैं। आयो अब देखते कुछ खाएंगे यहाँ भाई, आज जल्दी घर चला जाऊँगा फिर, तो देखते हैं क्या है सीन। भाई आ रहा हूँ फिर निकलते हैं यहाँ से। तो चलो गाइस अभी देखते हैं कहाँ लेके जाएंगे अब हम, कहाँ घूम के आते हैं, कहाँ क्या करके आते हैं। आधे इस यूट्यूब मनी से डीजल डलवाएगा इसमें। अरे डलवा दे भाई, मैं डीजल डलवा रहा हूँ, चला कर देखो मैं एक किलोमीटर देखूँ देंगे भाई पेट्रोल डलवा दे तो डलवा। नुकर भाई मैं कह रहा मैं बंद कर चलो जाना, मेरी मम्मी लड़ा है भाई। नुकर भाई डीजल में डलवा दूँ मैं, कह तू डीजल डलवा दूँ, मेरी मम्मी लड़ा है। कह रहा आंटी ने मैं अपना बात कर लूँगा भाई, कंटेंट चाहिए जो चाहिए होगा जी। मैं चल तो भाई कंटेंट ही ले दूँ, कंटेंट ही ले दूँ। गए पंडित, पंडित तो गए हो यार, डाडी ठीक करवा के आ जा रहे। बाकी गाइस कैसा चल रहा है सब कुछ आप लोग बताओ यार, कमेंट में बताते नहीं कुछ भी। हम तो देखा रिलैक्स करने वाले हैं गाड़ी में भी, हम तो ऐसे ही चलते हैं भाई। चलो आपको ये तो ज़्यादा लंबी कन्वर्स हो जाएगी, अब बाद में बात करते हैं। गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लिया दूसरी जगह एडमिशन, ये पर्चा भरा लग रहा है। अरे पंडित ने भी ले लिया, बैंक का पर्चा काट दिया। हाँ तो भाई गाइस कॉलेज से आ गए भाई, अपने घर बैठा हॉल में, कुछ भी ना आए हैं, अब देखते हैं क्या प्लान है। चाचा फ़ोन आएगा और कहीं चलना पड़ेगा, बहादुरगढ़ तक जा रहे हैं एक बार, तुम मैंने मैं चल कहीं जाना तो ना है, मगर नहीं मेरे को तो कहीं नहीं जाना। कह रहा चलिए एक बार यार कुछ काम है, मगर ठीक है अभी टीवी देखते थोड़ी देर, चाचा जब तक टीवी देखूँ। अरे देखो मेरी मम्मी इतनी बड़ी बकत नहीं है, बकत ही बकत का भी आवे है मैं, और कुछ आवे ही ना हाँ तो पता है, मैं तो देखे तो तारक मैं तो यूट्यूब पर और कुछ ना पाया। अरे भाई चलो हम तो टीवी देख लेते हैं गाइस, मिलते हैं आपसे बाद में। तो गाइस ये है चाचा की गाड़ी, देख लो अपन बढ़िया वाले कपिल का लो, ये अपने रख लिए। चाचा जाओ फिर चलेंगे, अभी ऑटोमेटिक गाइस सेल पे है, बता देना भाई किसी को लेनी हो तो। अरे ये तो चाबी थी उन्होंने, मैं तो बटन स्टार्ट समझ रहा था, चाबी लगा दो एक बार। गाइस देख लो बिल्कुल वेल कंडीशन गाड़ी भाई, बाहर से थोड़ी गंदी हो रखी थी, अंदर से देख लो आप लोग बिल्कुल नहीं है, किसी को लेनी हो तो बता देना भाई, इतनी चली हुई है। चलो
गाइस यहाँ है बुआ जी घर दिवाली देने, ये सामान रखो दिवाली में बैठे। तो ये बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं यहाँ से, जल्दी जाना है तो बस थोड़ी देर में। अब हम रूट चेक कर रहे हैं हम कहाँ से वापस जाए, सब तो देख रहा हूँ उसमें, अभी इंस्टाग्राम पर रील देख रहा हूँ, अभी मैप से देखेंगे हम थोड़ी देर में। गाइस बुआ जी के घर से आ गए वापस, मतलब अभी रास्ते में हैं, वापस घर जा रहे हैं। चाचा भी ड्राइव कर रहे हैं तो मैं तो बैठा हूँ साइड में, बस बहुत ट्रैफिक है। अभी हम नजफगढ़ पहुँचे हैं और बहुत ट्रैफिक है यहाँ तो रास्ते में भाई, तो अभी घर चलते हैं भाई, फिर करेंगे डिनर विनर, क्योंकि वहाँ से तो हम जल्दी निकल गए थे, अब रास्ता में लग जाएगा टाइम तो देखते हैं। बाकी चलते हैं गाइस अभी घर, तो आप लोगों से घर चल के मिलता हूँ मैं, सो बाय। गाइस देख लो ये भाई, मैं घर में आया हूँ और मेरे लिए खाली भाई ये बनी हुई है आंकड़ा जैसी रोटी, देख लो ये हमारी मम्मी रोटी खिला रही है हमें, और अभी तुम दाल और दिखाता हूँ कैसी दाल है। ये देख ये तो ना ही है रोटी, तो भाई ये बच रही हमारे लिए, देख लो भाई घर में ये हुआ खान पीन को मार ना, इंसान बर्तन धो के दिखा रही, दाल दिखा दी मैंने, यही दाल है या तो बिना छोक किए भाई। ये देखो हमारे प्रोटीन के डब्बे में क्या रखा हुआ है, नकली प्रोटीन है इसमें रखा हुआ भाई, इतना कहीं रखा हुआ तो देखो नहा लिया धो लिया यार, ऑर्डर कर रखा है, अभी तक मेरा ऑर्डर ना आया स्विगी से, भूख लग रही है घर कुछ तो ही ना, और दाल है दाल में खाना रहे अच्छी ना थी दाल में, कहा नहीं मैं अपना ऑर्डर कर लेता हूँ, क्योंकि मम्मी तो मैंने कह दी थी बाहर तक खाऊंगा, और फिर मम्मी की भी गलती ना है भाई, तो अब देखते हैं हर बार भाई मैसेज आओ अराइविंग नाउ, फिर आ रहा मैसेज आ गया, सो चलो देख लेता भाई ऑर्डर आ गया होगा, फ़ोन भी आने वाला उसका, तो चलो भाई जब आया ऑर्डर और अपने घर चलते हैं और खाते हैं, तो चलो तो भाई जी अपना ऑर्डर जो कि मैंने मंगवाई थी मैगी, और इसके साथ एक कोल्ड ड्रिंक आई है पेप्सी भेजी उनने, एंड ये अपना ये मोमोज भी आए थे थोड़े से, उसकी चटनी ली है गाइस, अपनी मैगी एंड मोमोज के दो पीस है ये ठीक है, फिर भी पेट भर जाएगा मेरा बहुत इतना खाता है गाइस। यार खाते खाते एक नुकसान होगा यार, पेप्सी गिर गई वो हिल उल गई होगी बाइक पे, और वो मैंने जैसे तैसे खोली और भाई साहब उसमें तो गैस बन रही इतनी भयंकर, मैं सोचा खुल ना रही, मैंने जान लगा दी खुली और भाई उसमें तो निकल गई गैस भाई साहब बाहर निकल गया, तो भाई कर लिया डिनर, भाई बहुत अच्छी मैगी थी, कुछ भी कहो बहुत अच्छी थी, गुस्सा आ रहा था मैंने क्योंकि उस ड्राइवर पर पहली बात तो, क्योंकि मैंने लग रही थी भूख और भाई साहब ने लगा दी पूरा 45 मिनट्स आने में, इतना टाइम तो दिखा भी नहीं रखा था, और हालांकि टाइम दिखाते हैं उससे कम टाइम आते हो मगर भाई, लेकिन भाई उसकी भी गलती नहीं थी, मैंने उसे गुस्से में फ़ोन पे कह भी दिया था भाई कहाँ हो क्या है क्या चल रहा है क्यों नहीं आ रहे, लेकिन अगला आया उसने बताया भैया एक आपसे पहले एक ऑर्डर और था वो करने गया था मैं, और उन्होंने लोकेशन गलत डाली हुई थी, तो मैंने दोबारा लोकेशन मांगी तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर दिया कि तुम लोकेशन क्यों मांग रहे हो वो, सो गाइस ये मत करा करो यार, क्योंकि वो आपको जब भी लोकेशन देनी है उसको जब भी लोकेशन देनी है आप, तो क्यों आर्ग्यूमेंट करना अगर आपने खुद ही गलत लोकेशन डाल रखी है वो, ये तो है नहीं कि पागल की तरह मांग रहा होगा तो ऐसे मत करा करो यार, गरीब आदमी होते बेचारे, लेकिन चलो। बाकी गाइस आज के ब्लॉग में तो खाली इतना ही, बाकी कल हम निकल रहे ट्रिप पे, कल ही बताऊँगा क्या सीन है, तो चलो अभी तो मैं सो जाता हूँ यार, सो आज के ब्लॉग में तो खाली इतना ही, अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो भाई से लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।